के भटक रहा संसार महारानी कल्याणी माता करिश्मा कोई दिखा दे पापियों हंकारियों को तू सीधी राह सुझा दे चाहे नफरत और हंकार होवे घर घर प्यार ही प्यार मांगू यही मैं बस है रात माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात मुझे चुनरी चढ़ाऊं मेवा भोग लगाऊं मेरी कर दे तू पूरी आस माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात माता तेरी कितनी भाग्यशाली हैं आप माता ने अपने गुण गाने के लिए आपको कितनी मीठी और सुरीली आवाज दी है भक्तों को हर कोई भक्त ही नजर आता है काश मैं भी इस गांव का रहने वाला होता जहां भक्ति रस बिखरा पड़ा है और माता की जोत जग रही है माता की जोत तो हर गांव हर जगह और हर दिल में जगमगा रही है माँ ये लो प्रसाद जय माता की राधा बेटी मुझे तेरा ये भक्ति रस देखकर तेरे पिताजी की याद आ जाती है चाहे आज उनका शरीर इस दुनिया में नहीं है पर वो अपनी आत्मा तेरे अंदर जरूर छोड़ गए हैं माँ मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे ही तो चल रही हूँ तू तो अपने रास्ते चल ही रही है राधा पर मेरे लिए वो रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है जिस रास्ते पर हर माँ अपनी बेटी को चलते देखना चाहती है मैं समझी नहीं माँ समझ तो मुझे भी नहीं आ रही कि इस कलयुग के पापी जमाने में मैं तेरे जैसी भक्तिन के लिए वर कहाँ ढूंढूं आए
इस सर के दर्द से तो मैं मरी जाऊं तो अच्छा है। ओए होए तू क्यों मरे लाजवंती, मरे तेरी पड़ोस ने, ये ले थोड़ी रबड़ी और खा ले। आ, आ। बस मुझसे और नहीं खाई जाती। ओहो सर में दर्द गर्मी और खुश्की से हो जाता है, थोड़ी तरावट वाली चीजें खाया कर। अच्छा हाँ। ये तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, ला कसोरा ला। बहना दो एक चम्मच मेरे लिए भी रहने दे, मुझे भी आजकल बड़ी गर्मी खुश्की होने लग पड़ी है। साले साहब तुम्हारी गर्मी खुश्की तो सारी उम्र नहीं जाएगी। वो क्यों जीजा जी, भाई तुमने अफीम खाना छोड़नी नहीं है। खबरदार, अगर तूने मेरे भाई चंद्रभान को अफीमची कहा, ये ले खा ले। बहना इतनी क्या करनी है, ये कोई बहुत है, तेरे जैसे जवान तो बाल्टी भर के रबड़ी खा जाते हैं। अगर तू खाए पिएगा नहीं तो लाले का काम कौन संभालेगा, वो मुश्तना रूप तो सिवाय रोटियां तोड़ने के और कोई काम जानता ही नहीं। जीजा जी रबड़ी जरा पतली है, आगे से थोड़ी गौरी लाया करो। ले आ गया तेरा बजर बट्टू। मामा ये ले प्रसाद, मैं माता के मंदिर होके आया हूँ। अरे जा रे, प्रसाद से कहीं गर्मी और खुश्की जाती है। अरे तुझे तो भूसा लेने भेजा था कि मंदिर। लाजवंती इस पर गर्म हो रही है, अरे मंदिर जाना कोई बुरी बात है? ला। नहीं काम करना बुरी चीज है, वो आप तो मर गई, ये सौगात मेरे लिए छोड़ गई, नालायक हो औलाद और गालियां पड़े सौतेली माँ को, सारा दिन मटर गश्ती करता रहता है। अगर मेरा भाई चंद्रभान ना हो तो इस घर का तो बेड़ा ही गर्क हो जाए। लाजवंती जीजा जी मेरे सामने मेरी बहन को आंखें ना दिखाओ, नहीं तो मैं आज ही से लेकर घर चला जाऊंगा, यहाँ कोई घर से कड़के नहीं है। अरे तू आंखें फाड़ कर मेरी तरफ क्या बिटर बिटर देखे चला जा रहा है, जा जाकर जानवर को चला डालो, भूख के जानवर तेरी जान को रो रहे होंगे। और सुन चारा डाल के जरा जल्दी वापस आना, अपन ने आज सिर की मालिश करवानी है। हाँ। चल भाई चल बहने। मैंने कहा भाई साहब तू हट यार। ओ भाई साहब तू हट यार। और दौलत और टिकट छेती कट लेट हो जाने हैं। तू बस चलाने वाला बन, टिकट तो कटी समझ यार। मैंने कहा ये और ये लाहौर जाएगी, वह तो गुरु का घर है, वहां तो जाएगी, बैठ जाओ आराम से। भाई हाँ। ए भाई हाँ। ये बस कहाँ जाएगी? तुमने कहाँ जाना है? हमें तो चंडीगढ़ जाना है। भाई वो तो सरकार का घर है, वहाँ तो जाएगी, बैठ जाओ फट से। और टिकट? टिकट भी दे देंगे, टिकट 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 लगा रखी है। मैंने आगरा जाना है। वाह भाई आगरा के लिए बस तैयार खड़ी है, तू पता नहीं कहाँ धक्के खाता फिरता है, बैठ जल्दी से देखता है जाए। अरे भाई मसूरी के लिए बस कहाँ से आएगी? मेरे ससुराल से आएगी। वाह भाई मसूरी के लिए बस तैयार खड़ी है, कहता मसूरी के लिए बस कहाँ से आएगी, बैठ जल्दी से, जल्दी कर यार कर दे। और भी कोई है जाने वाला? ओए की हो गया दौलत, तू अंधा हो गया था, कंडक्टर को चढ़ तो जाने दिया कर। और तू विसल मारी सी बच्चा विसल का, अब तू ऐसे कर सीधा हरिद्वार ले चल, ले चल सीधा हरिद्वार। अरे तूने कहा था ये अमृतसर जाएगी? अब तू ऐसे करना हरिद्वार से गाड़ी पकड़ लेना अमृतसर की यार। हद हो गई, तू तो कहता था चंडीगढ़ को जाएगी, वो तो सरकार का घर है, बीच में बैठे रहो, 2000 दिन में तो पहुंच ही जाओगे। ना टिकट अंदर ना बाहर। कमाल की लड़की है ये भी, कमाल कर रही है। मैंने तुमसे कहा था मसूरी कौन सी बस जाएगी, तुमने कहा यही बस जाएगी। वो तो तूने मुझे कहा था मैंने मसूरी जाना है, मैंने तुम्हें बिठा लिया, नहीं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जगहों पर तो मैं वैसे नहीं जाता। शराब पी रखी है? शराब पी रखी है? ओ भाई जिसने शराब पी रखी है भले मानस की तरह नीचे उतर जाओ, वरना मैं लाठियां मार के उतार दूंगा। तुमने पी रखी है? मैंने पी रखी है। हाँ। ओ पगले ड्राइवर, मैंने तुझे 100 बार कहा है सोच समझ के टिकट कटवाया कर, अब तू जिसमें सोया था मैनेजर के पास ले चलो। कमाल है यार। ओ हो Thank you.
लगता है आप अपनी पूजा खत्म करके वापस आ रही हैं। हमारे गांव में तो माता का मंदिर ही नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की कि वक्त पर पहुंचकर आपकी भक्ति रस में डूबी हुई आवाज को अपनी आत्मा की गहराइयों में उतार लूं, पर मैं देर से पहुंचा। कमाल है, माता के इतने बड़े भक्त होकर आप ये कैसे भूल गए कि चांद ने इस धरती के वासियों से कभी भी नहीं कहा कि मुझे आज आकाश पर देर से चमकने की माफी दे दो। अगर आ गया हो तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? राधा। जैसी पवित्र आत्मा वैसे ही पवित्र नाम, राधा। और आपका? रूप। पूजा कराई राधा? हाँ माँ, ये है मेरी माँ जी और इनका नाम रूप है। ये माता के बहुत बड़े भक्त हैं। प्रणाम माँ जी। सुखी रहो बेटे, बहुत बड़ी उम्र हो। गाँव कौन सा है तुम्हारा? रामपुर का रहने वाला हूँ। तेरे माता पिता? माता की मेहरबानी से सब हैं माँ जी। तेरे पिताजी का शुभ नाम क्या है बेटा? लाला सुंदरदास जी। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। बेटा प्रसाद तो लेता जा। जय माता। चल राधा। माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात, माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात। तू जोत ही जगाता रहेगा या कोई भी करेगा? माँ भूख बहुत लगी है, रोटी परोस देना। क्यों, उस जोत वाली ने तुझे रोटी नहीं खिलाई? वो तो सारे जगत की पालनहार है माँ, उसके तो दर्शन से ही भूख मिट जाती है। अगर उसके दर्शन से भूख चली जाती है तो फिर मुझसे रोटी क्यों मांगता है? माँ देवी देवताओं के बारे में ऐसे शब्द नहीं कहते, उनका तो नाम लेकर ही पापियों के पाप धुल जाते हैं। क्या कहा? पापी? मैं पापी हूं? पापी होगा तू, पापी होगा तेरा बाप। नहीं माँ, सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं जिसने आप जैसे महापुरुषों के घर जन्म लिया। बड़ा आया, तेरा सत्यानाश जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। हाय राम हाय हाय, मैं किन पागलों में फंस गई, इन्होंने तो मुझे ही पागल कर दिया। हाय 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 हाय, मेरा सिर। हाय लाजवंती। हाय हाय, मेरा सिर गया लाजवंती। इन लोगों के लिए मैंने खाना पीना छोड़ा, 36 रोग लगा लिए। अरे लाजवंती जरा ठंडी हो जा, ये देख अब मैं तेरे लिए गन्ना लेकर आया हूँ। गन्ना बाहर अपने सर में। आए आए आए, मेरा सिर पटा जा रहा है। एस्प्रो की गोलियां ला दूध के साथ। अरे दूध भूरी भैंस का या काली का? ओ किसी का भी ले आ, दवा हो तू। अच्छा तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे वास्ते गोलियां और दूध लेकर आता हूँ, तब तक तू ये गन्ना चूस चूस गन्ना चूस। आए 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 आए, मेरा सर फट गया। हाय मर गई लाजवंती। लाजवंती ए लाजवंती, मेरे से नहीं खाई जाती। अरे उसे मार गोली और ये पड़ गोली और ये ले दूध। हाय मर गई। हाय, अरे भगवान ये तेरा सर दर्द कब जाएगा, जब से शादी हुई है इसी तरह चीखे मार रही है। हाय, अरे मुझे तो लाला भी लल्लू ही बना, सारा दिन बेकी रोटियां पकाऊंगी तो मेरी बीमारी कैसे जाएगी? आप लोगों को अगर बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं। कहो कहो। मुझे तो तुम दोनों ही पागल दिखाई पड़ते हो। माँ। बेटा न चिट्ठी ना चपट्टी, तो यूं कैसे आ गया? छुट्टी लेकर आया हूँ माँ। छुट्टी लेकर आया है या छुट्टी करवा के आया है? नहीं माँ, गवर्नमेंट ने मुझे जरा रिटायर कर दिया। पर इतनी जल्दी तुझे क्यों रिटायर कर दिया? माँ गवर्नमेंट ने नौकरी की म्याद घटा दी और अच्छे आदमियों को जल्दी रिटायर करने लगे, कहते हैं जाओ और जाकर घर को कामयाब बनाओ और अपनी माँ की सेवा करो। न जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है, पति मिला था तो वो भी शराबी, सारी जमीन जायदाद बेचकर शराब पी गया, अब बेटा मिला है तो वो भी वैसा ही।
ना जिंदगी में उसने अच्छा काम किया और ना ही तुमने। वो तो होगा ही, बाप पे बेटा, घास पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। धन्य है वो माताएं जिनके बेटे देश में कुर्बान हो जाते हैं। एक ये है इस घर का चिराग जो सिर्फ शराब से ही जलता है। बस भाई, भाई एक चीज है, समोसे बड़े शानदार बनाए हैं। अच्छा? चार खा गया चार। वाह, देखा जाए तो जलेबी भी बहुत अच्छी है तेरी। वैसे पकौड़े भी अच्छे बनाए हैं। मैं तुझे एक और सलाह दे दूं। क्या? गुलाब जामुन बनाने शुरू कर दे। हाँ। हम तो तुम्हारे गाँव पक्के ही हैं। लिख लेना पैसे यार। मैंने कहा मैंने पैसे लिखने नहीं, मुझे पैसे दे के जाओ। और लिख लेना यार, दे दूंगा फिर। और मैंने कहा मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे पैसे दे के जाओ। और मैंने कहा दे दूंगा यार, भागे थोड़े जाता हूँ। और मैंने कहा भाई साहब मुझे आज पैसे चाहिए, मैं यूं ही जान दूंगा आपको। कमाल करता है यार, दे दूंगा पैसे, आज मैंने पैसे छोड़ने नहीं। कितने पैसे हुए? 40 रुपए 50 पैसे। 40 रुपए 50 पैसे लेने हैं? जरूर लेने हैं। ले फिर। अरे मैंने पैसे मांगे, तू जूता उतार रहा है। अरे साहूकारों का जूता ही बटुआ होता है। ये ले 50 पैसे, पैसे मांगे थे, पैसे मिल गए, रुपए फिर ले लेना। कमाल करता है, रुपए मांगता है। तुझे देख लूंगा, क्या फिर नहीं आएगा? बहन जी, जब लड़का लड़की राजी तो हम कैसे ना कर सकते हैं, क्यों जी? हाँ जी, इन दोनों की खुशी में हमारी खुशी है। लड़का लड़की राजी तो हम कौन होते हैं काजी। बहन जी, फिर मैं समझूं ये रिश्ता पक्का है? लो, इसमें शक की कौन सी बात है? धन्यवाद लाला जी, एक झोपड़ी ने महल से नाता जोड़ने की जुरहत की और आपने उसे स्वीकार। शर्मिंदा ना करो बहन जी, भगवान का दिया इस घर में बहुत कुछ है। आप भले लड़की को 3 कपड़ों में विदा कर दो। आप भी कमाल करते हैं, हमारे घर में कमी किसी चीज की नहीं है, पर माँ भी क्या अपनी लड़की को देने से पीछे रहती है? ठीक है बहना, दुनियादारी तो निभानी ही पड़ती है, पर हमने कौन सा लोगों की तरह मुंह से मांग कर लेना है? भाई चंद्र भान, मुंह से मांगा तो क्या मांगा, पर बिरादरी में नाक तो रखनी पड़ती है। क्यों जी? तू ठीक कहती है भगवान, अपने नाक पर मक्खी कौन बैठने देता है। जो कुछ राधा के भाग्य में होगा उसे जरूर मिलेगा। आप जल्दी से ब्याह का मुहूर्त निकलवाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। हमारी मंगनी हुई है, मैं कोई तुझे भगाकर तो नहीं ले चला, तू डरती क्यों है मेरे साथ दुकान पे चाय पीने से? तू आज यारों की ठार तो देखना, चल जरा, चल जरा, चल चल। मैं तेरा चांद, तू मेरी चांदनी, तू खाना जलेबी खांड की। मैंने कहा दौलत साहब, अंदर कहाँ जा रहे हो? ओ हाँ सच यार, ऐसा कर, 2 कप चाय, 200 ग्राम जलेबी और 4 समोसे जरा जल्दी से भेज दे। मैंने कहा महाराज आप बाहर तो आइए। क्या बात? महाराज जरा बाहर तो आइए। पता नहीं क्या बात ये है, पढ़ लो। ये क्या है? खास दौलत के लिए उधार बंद है। अरे हम कोई भीख मंगे नहीं है। अच्छा नहीं महाराज, अगर साहूकार हो पैसे दो और अंदर बैठ जाओ। तेरा ख्याल है हमारे पास पैसे नहीं है? महाराज अगर हैं तो अंदर बैठ जाओ। करता है बातें। चल अंदर, है पैसे। अरे हम खाली हाथ नहीं आते, फांग समझ रखा है, तू जल्दी से समोसे भेज। आज पता नहीं बटुआ कैसे भुलाया, नहीं तो बटुआ पास ही रखता हूँ। जल्दी करो भाई। दे दे भाई उसे, ये चाय भी ले गया। उठा फिर, क्या सोच रही है, उठा उठा। चा, मेरा चाचा। हैं? चाचा, ये चाचा कहाँ से आ गया? यार तू ऐसे कर, ये समोसे वापस ले जा। ये तो झूठे हो गए, अब नहीं वापस होते। दौलत भाग जाओ। लड़के पीछे साहब किधर है, मैं देखता हूँ। प्रियो और जियो, जब तक मेरे यार हैं मेरे अंग संग, मुझे कौन करेगा तंग। पियो। दौलत, हमारा तो तेरे साथ सारी जिंदगी का हिसाब किताब है। अरे हम छोटा मोटा हिसाब नहीं रखते, हमने तो यारों की जिंदगी के टेके ले रखे। टेके
अरे ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मेरे जैसा यार मिल गया, और मेरा भला कुछ ना रहे पर तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। ओ इनकी जिंदगी बनाने के बच्चे, पहले अपनी जिंदगी तो सुधार ले। तेरा बाप अच्छे भले आबाद घर की सारी खुशियां शराब में घोल कर पी गया, तुम्हारा सारा घर बर्बाद हो गया, तेरी नौकरी भी गई, तेरी माँ बेचारी घर में आखिरी सांसें गिर रही है, कुछ तो शर्म कर। शर्म तो शराब में घोल कर पी गया है। चलो चलो तू भी उठ, और अगर मैंने तुम्हें इस कमीने की संगत में फिर देख लिया तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उल्लू के पट्टो हराम दादो और बेशर्मो। बड़े आए हैं शर्म वाले। नहीं, मेरे दौलत को माफ कर दो धर्मराज, माफ कर दो, इसके सारे पाप मेरे सर थोप दो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं दौलत की माँ हूं, और कोई माँ अपने बेटे पे आंच नहीं आने देती। होश में आ माँ, मेरी तरफ देख, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये गरम सलाखे मेरे दौलत की आंखों में ना डालो। इन हथौड़ों से मेरे दौलत के हाथ ना तोड़ो। मैं तेरे पांव हाथ लगाती हूँ धर्मराज, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ धर्मराज। किसे कह रही है माँ, मैं तेरे सामने हूँ माँ। मैं अपने बेटे को उबलते हुए लावे में गिरते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मैं तो जा रही हूँ दूर, बहुत दूर। माँ तू मर गई। माँ तूने मेरी माँ को मार दिया, और मैं हमेशा के लिए तुझे मार दूँ। माँ 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 पूरी माँ कर दे माँ माँ। और मैं बचपन से ही नरक में गिरी पड़ी हूँ। बचपन में मेरे माँ बाप मेरी मंगनी दौलत के साथ करके खुद इस दुनिया से चलते बने, और मैं यहाँ पर अपने चाचा के घर पलती रही। तू तो अच्छी तरह जानती है राधा, मेरे चाचा को दौलत की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं। दिल छोटा न कर बसंती, मुझे माता शेरोवाली पर पूरा भरोसा है, वो दौलत को सीधे रास्ते पर ले आएगी। राधा बहन ठीक कहती है, मैं अपनी माँ की चिता के साथ साथ शराब की चिता भी जला आया। बसंती मेरी पुरानी गलतियां आज माफ कर दे। देखा बसंती, माता शेरोवाली ने तेरी कितनी जल्दी सुन ली। ससुराल जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगी बसंती? ब्याह अपनों को भुलाने के लिए नहीं, दूसरों को अपना बनाने के लिए किया जाता है। फिर तेरा भी तो ब्याह होना है। राधा विदा होने से पहले एक माँ अपनी समझदार बेटी से एक ही विनती करती है कि तू शेरों वाली माता का आशीर्वाद लेकर अपने पुरखों की इज्जत को कोई धब्बा नहीं लगने देगी। चांद सूरज को ग्रहण लग सकता है माँ, पर तेरी राधा को नहीं। सदा सुहागन रहे मेरी लाडली। चंदर भांजी दहेज अच्छी तरह से संभाल लिया ना? हाँ जी, हम अच्छी तरह ही संभाल लेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करो। देखते नहीं मैंने सारा सामान तो टांगे पे रखवा दिया है, सिर्फ ये बर्तन ही तो रह गए हैं। अरे बच्चे हाँ जी, चल उठा इसे भी रखवा दे टांगे में। अच्छा जी। लाला जी अगर आप आज्ञा दें तो मैं राधा बहन को ससुराल तक छोड़ाऊं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा बहन जी हमें भी आप आज्ञा दीजिए, अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो गई हो माफ करना। शर्मिंदा ना करो लाला जी,
ये तो धन भाग्य है मेरे कि राधा आप जैसे बड़े घर की बहू बनकर जा रही है। सुखी रहो बेटे। देखना इसे बदशगुनी ना समझना, ये मुझे बड़ी पुरानी बीमारी है, तेरे लाला को पता है। अरे तेरी बीमारी तो सारे गांव में मशहूर है। आओ बच्चों आओ, 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 आओ। दहेज का है, इन लोगों को दिखाकर विदा करें। अरे घबराती क्यों है, दहेज टांगे पे आ रहा है। चाची छोड़ो भी, आजकल दहेज को कौन पूछता है, चांद जैसी तुझे बहू ला दी है। पर दौलत चांद को भी कभी ग्रहण लग जाता है। उस बेचारी ने अपनी हैसियत के मुताबिक ब्याह बहुत अच्छा कर दिया। खाक अच्छा कर दिया, बर्तन तक तो दिए नहीं। अरे पर बात यह है कि वो तू सारी उम्र लल्लू ही रहना, कंगालों के घर बरात लेकर जा पहुंचा। पर भगवान बर्तन तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखे थे। जो देखे थे तो गए कहां? ये लो सेठ जी, माल बिल्कुल दूध का धुला है, और जरा नोट भी दूध के धुले देना। ये लो सेठ जी, आज ही रिजर्व बैंक से काट के लाया हूं। अरे खुश रहो मेरे सेठ, खुश रहो, तेरी उम्र लंबी हो। अच्छा अरे लाला जी ये थाली तो देते जाओ, इतो ये माल मारोगे। ओह भाई मेरे, नोटों के चक्कर में मैं तो ये भी भूल गया था। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं तेरी उदासी की वजह जानता हूं राधा। तुझे वो सुहाग रात नहीं मिल सकी जिसके तू पता नहीं कब से सपने देख रही थी। इस सेज पे फूलों का श्रृंगार ना सही, पर मेरी आत्मा का प्यार जरूर। आप ये क्या कह रहे हैं, जो पुजारन अपने देवता के कमल चरणों में बैठे, फूलों की क्या जरूरत। मैं जानता हूं राधा, तेरे अंदर एक पवित्र आत्मा की ज्योत है। अगर मेरी मां ने आज तुझे कुछ कठोर शब्द बोल भी दिए तो दिल को ना लगाना, मेरी मां का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। आप मुझ पे भरोसा रखिए, आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं होगी। शेरों वाली मां मुझे अपने धर्म से कभी भी भटकने नहीं देगी। राधा बेशरम हो गया जमाना। अरे अभी तो हम सोए भी नहीं, पहले ही चोचे लड़ानी शुरू कर दी। ब्याह हमने भी किया था पर हमको इतनी आग नहीं थी। छह छह महीने हो जाते थे तुम्हारे लाला का मुंह देखे। मेरा मुंह क्या देख रहा है, तबेले में जाकर भैंसों का मुंह देख, उनको चारा कौन डालेगा, तेरा बाप। बेशरम अभी तक बैठे, उठ दफाओ। तू यहां पसंदने के लिए नहीं आई, जाकर दूध को जाग लगा और सुबह 4 बजे उठ के आटा पीस देना मुझे, समझी। मेरी तबीयत जरा रहती है, डॉक्टर ने कहा है रोज ताजे आटे की रोटी खाया कर। चल चल फूट। लाजवंती आज तू कितनी सुंदर लग रही है।
क्या कह रहे हो? अरे मैं सच कहता हूँ, इतनी सुंदर तो तू लगन मंडप में भी नहीं लग रही थी। आए हाय, पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस रोज हमारी तुम्हारी शादी हुई थी। छोड़ो बिना छोड़ो, भाई शर्म नहीं आती, छोड़ो मैं कह रही हूँ, छोड़ो भी। रहो बेटी, तुम्हें चक्की पीसने की क्या जरूरत थी? रूप भी अपने कमरे में नहीं है, मेरे मुंह कहाँ चला गया है? तू लल्लू का लल्लू ही रहा। क्या बहू अपने ससुर को इस बात का जवाब दे सकती है? मुझे तेरे भोंदू बेटे के साथ साथ अपनी भैंसों का भी ख्याल है, मैंने उसे रात तबेले में सोने के लिए कह दिया। तेरी भैंसों को कौन से काले चोर चले थे? अरे वक्त बेवक्त देख लिया कर। तुझे घर के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं, मैं जानू मेरी बहू जाने या रूप जाने, समझे? जीजा जी, ये सुबह सुबह क्या नाटकबाजी चल रही है? रात को अच्छा भला दूध घी पीकर सोया था, सवेरे सवेरे कच्ची नींद से जगा दिया। हाय हाय, तुझे तो अभी भी बुखार है, जा जा कर सो जा, जा। दवाई लेना ना भूलना, बड़े घर की बहुएं हर वक्त दुल्हन बन के नहीं बैठी रहती, जा जा के कपड़े बदल ले और जल्दी से चार पराठे बना दे, लाला जी ने जंगल का ठेका लेने जाना है। अच्छा माँ जी। बच्चों से इतनी जाती अच्छी नहीं लाज बनती, मुझे अच्छा बुरा समझाने की कोई जरूरत नहीं, जा तू कपड़े बदल। राधा, शादी कंधे से कंधा मिलाकर बैठने के लिए नहीं होती, दुनियादारी के काम करने के लिए भी होती है। जा जाकर तालाब से भैंसों को नहलाकर ला, सुबह भैंसों को नहलाने से दूध बढ़ता है, समझा ना? फिर आके खा लेना महारानी के पके हुए पराठे। अच्छा मैं जाता हूँ, कब बदल लूं? हाँ जा, दफा हो, कपड़े तो बदल लूं। लारी पराठे दिखा कैसे बने हैं, ला जल्दी कर। वो गोभी का अचार देने जरा, उसके साथ अच्छे लगेंगे। अरे बाहर का मारता तो और बात थी, यहाँ तो अपना नहीं मसाला। अरे हाय 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 हाय, अरे क्या हुआ बता तो सही। अरे क्या बताऊँ बहना, बा बनवारी और गोपाल से मेरी थोड़ी सी खटपट हो गई, मैं तो कर देता हूँ दोनों को सीधा, पर बीच में आ गया अपना रूप, कहने लगा अरे तुम मेरे आदमियों पे हाथ उठाओगे, और उसने उन सब के साथ मिलकर के मेरी ये हालत बना दी। अब तुम ही बताओ बहन, मैं अपने आदमी पे कैसे हाथ उठा सकता था? देखा, माँ को तो खा गया, अब मेरे भाई के पीछे पड़ा है। वो देख आ गया तेरा लाजला। अरे झूठ बोलने से तो और भी शक्ल बिगड़ जाती है मामा, तेरी शक्ल तो पहले बिगड़ी हुई है। अरे मैं कहता हूँ बकवास बंद कर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। हाय मुझे मार डाला, हाय मुझे मार डाला, भाई दुश्मन लग गया। भाई तुम पीछे हटो, बेशर्म कहीं का, मेरे सामने ये कर रहा है तो पता नहीं मेरे बाप क्या करता होगा। तुम्हार तू जाके जंगल का काम संभाल और साथ से भी ले जा, और सुन जैसा ये कहे वैसा ही करना, समझा? चलो जी। माँ, बेटी अपनी माँ से
अपने सुहाग की रक्षा की भीख नहीं मांग सकती। मेरा सुहाग तो तेरे हाथ में है, बिछुड़ना या मिलाना तेरे बस में है। मेरा धर्म तो सिर्फ तेरे चरणों की धूल बन के रहना है। दादा, मैं आज जा रहा हूं। ये कितनी बदनसीबी है कि आज तक एक दूसरे से अच्छी तरह मिल भी ना सके। मिलाप आत्माओं का होता है, शरीर का नहीं। माँ की कृपा से हर जन्म में मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। राधा, आत्माओं का मिलाप किसने देखा है? मैं तो तुझे पति का प्यार भी ना दे सका। तेरे सुहाग की चूड़ियों को सुहाग का मान भी ना दे सका। शेरों वाली माँ तो आत्माओं का मिलाप कराती है, पर मेरी ये माँ हमको इकट्ठा देखकर भी खुश नहीं। ना, ऐसे ना कहो, माँ माँ ही होती है। आप मेरी ये अंगूठी ले जाइए, ये आपको हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी। रूप, अपनी महारानी से बातें करता रहेगा या जाएगा भी? जल्दी कर, सामान तैयार हो गया है। मेरे बात तो अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को। चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को। चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को। ¶¶
पास उसी ने मेल कराने माता के चमत्कारों को। तू बन गए क्या जाने माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को। तू बन गए क्या जाने माता के चमत्कारों को, 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 माता के चमत्कारों को। तो ऐसे पहुंच रही है जैसे धूप में हल चलाकर आई हो। मैं अपने जमाने में एक मन आटा पीस लेती थी, लेकिन मजाल क्या कि माथे पर पसीने की एक बूंद भी आई हो। आटा तो पीस लिया है माँ जी। और भी तो घर में बहुत से काम होते हैं, हर चीज का ध्यान मैं ही रखूं। महारानी को इतना भी नहीं पता कि घर में मिर्च नहीं है। ये ले पकड़, जल्दी से कूट दे। सारा घर सर पे उठा लेती है, छीके मार मार के पड़ोसियों को सुनाती है कि बहुत काम करती है। ओहो, आटे पे क्यों छींकती है, उसे तो पहले संभाल ले। चल भाई निकाल, जल्दी कर। और सब ठीक ठाक है? बिल्कुल। चल फूल मुंशी जी। जी मालिक। अरे जब मैं कहा करूं तो एक दो ट्रक इधर उधर भी कर दिया करो। मालिक आप एक दो ट्रक की बात करते हैं, आप कहें तो पूरा जंगल ही ठिकाने लगा दूं। अरे नहीं बेवकूफ, थोड़ा थोड़ा खाया करते हैं। हाँ, समझी। हाँ, हाँ। चल चलता चल। अरे माधव हराम जादे, न दुआ न सलाम, ये क्या आंखें दिखाया जा रहा तू? ओ बाबूजी जरा होश से बात कीजिए, आप हमें इंसान नहीं समझते। अरे मैंने कौन सा तेरे को गोली मार दी है, हमारा नमक खा के हमी को आंखें दिखाता है? इसमें नमक की क्या बात है, काम करते हैं तनख्वाह लेते हैं। मुंशी जी साले की जबान कुछ ज्यादा ही खुल गई लगती है। देखिए फिर ऐसा मत बोलिएगा। कुत्ते मालकों से जबान दराजी। क्यों मामा, तू मजदूरों से यूं ही गर्म होता रहता है? ये तो माता की सब मेहर है जो इतने अच्छे साथी मिले हुए हैं हमको। अच्छा तो ये सारी आग तेरी ही लगाई हुई है मुंशी जी? हाँ जी। आज से ये साला डिसमिस। बिल्कुल मालिक। कोई बात नहीं माधो। मुंशी जी। हाँ जी। अब इस रूप का भी कुछ जल्द बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हैं? अरे ये लड़की कौन है? इसे नहीं जानते मालिक, इसका नाम वेजंती है, ये माधो की बहन है। माधो की बहन? मुंशी जी आज से ये भी डिसमिस। बाबूजी मैंने क्या कसूर किया है? कसूर? अच्छा अच्छा मुंशी जी, आज इसके कामकाज की पूरी पड़ताल करो, समझे? बाबूजी मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो जी चलो। ये तो लड़कियों का ठरकी है, ये एक दिन जूते खाएगा। ठेकेदार तो रूप है, ये मामा तो यूं ही चौधरी बना फिरता है।
धन्य है तू भाभी, जब देखो काम करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। भाभी कम से कम कभी हंस भी लिया करो। भाभी आज रात को शांति के घर माता का जगराता है, तू जरूर आना। माँ जी से पूछ लो। कहाँ है मासू जी? अरे अब मैं इतनी सूख गई क्या कि पलंग पे बैठी दिखती भी नहीं, और मोहल्ले में शोर ये है कि बहू मेरी बड़ी सेवा करती है। मौसी जी शांति के घर आज माता का जगराता है, आप जरूर आना और साथ में भाभी जी को भी लाना। हाँ साथ अपने लाला को क्यों ना ले आऊं, बड़ी सियानी आई, जगराते में घर से एक ने जाना है कि पूरा कुनबा उठ के चल पड़ेगा। मैं आ जाऊंगी, इसने जाके क्या करना है, घर का काम भी करना है या नहीं, और फिर इसके बगैर क्या जगराता पूरा नहीं होगा। अरे जल्दी कपड़े धोकर आ और ये चने निकाल, मेरी तो उंगलियां भी दुख गई। आज की चमकती कटोरियां और चमचों को देखकर इन जद्दी पुश्ती बर्तनों को नहीं भूलना चाहिए, ये हमारे पुरखों की निशानियां हैं। हमारी सास की सास दहेज में लाई थी, तेरी माँ ने तो टूटी करछी भी नहीं दी जो दुखते सर में ही मार लूं। मेरी तरफ क्या देख रही है, मैं जरा जगराते वालों को मुंह दिखाया हूँ, मोहल्लेदारी है, मुंह माथे तो लगना ही पड़ता है, तेरे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे आने तक ये सारे बर्तन जरा चमका के रखना। रथ में गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कारज करो हमें
छाऊं के अंबे मुझे दे दे शक्ति। सारा तन मन तुझ पे लुटाऊं, मैं तुझ पे लुटाऊं के अंबे मुझे दे दे शक्ति। सपने में नित मैया तुझे ही पुकारूं मैं, तुझे ही पुकारूं मैं, हाँ तुझे ही पुकारूं मैं। उठ के सवेरे तेरी आरती उतारूं मैं, आरती उतारूं मैं, हाँ आरती उतारूं मैं। तेरे नाम की मैं कंज के बिठाऊं, मैं कंज के बिठाऊं, ओ मैया मुझे दे दे शक्ति। हमें चलाने निकली माँ जी, मैं मैंने तुझे रोका था ना कि जगराते में ना जाना। हाँ माँ जी, मैं तो नहीं गई थी। नहीं गई थी? मैंने अपनी आंखों से वहां देखा, ऊपर से कहती नहीं गई थी। लोग करो मालिक मौज मेला और मैं चला। बाबूजी, मुझे इस दफा मुंशी ने तनखा नहीं दी। वो कैसे देगा जब हम ही ने मना किया है? पर मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। ये तो हमें मालूम है कि तूने क्या कसूर किया है,
और उसे माफ कैसे करना है? ये क्या करते हो? तेरी तनख्वाह का बंदोबस्त। बचाने वाला कोई नहीं है। छोड़ूंगा, छोड़ूंगा। मामा कुछ तो शर्म कर, ऊपर वाले से डर। अरे जा रे जा, जाके अपना काम कर, कहीं जूते न खा बैठना। अरे मामा यहाँ तेरे जूतों से काम नहीं चलेगा, मैं जुल्म से लड़ना चाहता हूँ। बड़ा आया जुल्म। अरे तेरी ये हिम्मत। अरे तू और मारेगा मुझे। उठो बहन, जाओ अपने घर जाओ। आए आए, बस कर बहना, बस कर, बस कर, आए बस कर। आ गई बहना, देखो भांजा मामे पे ही हाथ उठाए। पर मुझसे कह तो सही कि हुआ क्या है। आए, क्या कहूं बहना, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। हमने उसका ब्याह कितने चाव से किया था, पर मुझे क्या पता था वो अपना घर बसाने के बजाय उल्टा उजाड़ लेगा। पर कुछ कहेगा भी, उस कुलचने ने किया क्या है। बहना अपने जंगल में मजदूरी करने वाले मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। रूप ने एक सुंदर सी लड़की का हाथ पकड़ लिया, मैंने उसे समझाना चाहा तो वो उल्टा पागल कुत्ते की तरह मुझ पर ही टूट पड़ा। अरे उसका सत्यानाश हो जाए, मंदिर से एक जोगन सी लाकर मेरे पल्ले बांध गया और खुद बाहर दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाता फिरता है। बहना आगे जो हुआ वो भी तो सुन ले। आए आए, मैं तेरे लिए तावीज बहुत बड़े महात्मा से लेने गया था ताकि मैं अपने असली भांजे को गोद में खिला सकूं, पर उसने वहां भी अपनी टांग अड़ा दी। उसका बेड़ा गर्क हो जाए, मुझे बे औलाद रखकर सारी जायदाद आप ही हड़प करना चाहते हैं। तू आराम कर, आराम कर, मैं वैद्य से अभी तेरे लिए मरहम लेकर आती हूँ। बहना तू इतना कष्ट मेरे लिए क्यों उठाती है? बहनों को भाइयों के लिए कोई कष्ट नहीं होता। आराम कर। हे शेर वाली माता, मेरी कान तो अपने पति के बारे में ये बुरे शब्द सुन सकते हैं, पर मेरी आत्मा ये नहीं मान सकती, नहीं मान सकती। छी छी छी, राधा मुझे तो तुझ पे तरस आ रहा है। कहाँ तू और कहाँ वो दुष्ट रूप? मामा जी, मेरे सुहाग को मेरे मुंह पे गाली ना दो, मुझे बेशक जो मर्जी कह लो। अरे तुझे तो मैं बहुत कुछ कहने वाला हूँ। आ जरा इधर आ जा, आ जा आ जा। आ बैठ जा, आराम से बैठ। देख घर में सिवाय तेरे और मेरे और कोई नहीं, समझ गई ना? मामा जी। अरे तेरा मामा तो मैं दुनिया के लिए हूँ इस वक्त। ये क्या हो गया? Oh,
मामा, और देखिए मामा क्या हुआ। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। लगता है आज माल ज्यादा ही हार गया मामा। अरे मुझे तो लगता है ये पागल हो गया। पकड़ लो पकड़ लो। अरे छोड़ दो मुझे और हट जाओ पीछे। आज मेरे अंदर भूत और प्रेत नाच रहे हैं। अरे, अरे भूत के बच्चे, तुझे कितनी बार समझाया, ज्यादा अफीम ना खाया कर। मेरा ख्याल है तुम ठीक ही कहते हो, पर यारो अफीम तो मैं रोज ही खाता हूँ। ऐसा लगता है कि आज ठेकेदार ने असली उठा के पकड़ा दी है। बस मैं हवा में घूमता नजर आता रहा। हवा में घूमता नजर आता रहा। मामा बड़ा फीन चीकाई का। भाई चंद्रभान कहाँ चला गया? ए चंडालनी, ये मूर्ति के सामने किसकी जान को रो रही है? सारा दिन मूर्ति से चिमटी रहती है, काम करने से हाथ टूटते हैं। मैंने तुझे कहा था सारे कष्ट साफ करके रखना। माँ जी, मैं आज तक सब कुछ सहती रही, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे पति की गैर हाजिरी में। मामा जी मेरी इज्जत पर भी हैं? अरे तेरे मुंह को आग लगे, तेरी जबान जले, मेरे देवता जैसे भाई पे इतना बड़ा इल्जाम। तू समझती है मैं नादान हूँ? अभी थोड़ी देर पहले चंद्रभान मुझे तेरे खत्म की सारी करतूतें सुना रहा था, तूने अंदर बैठे सुन ली होंगी। माँ जी, यूं अपने भाई की तरफदारी करके अपने घर की इज्जत को गलत न समझो। मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। बड़ी सच्ची बनती है, बेशरम बेहया चुड़ैल कलमुई, मैं मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। मेरे भाई के लिए तूने क्या बका, उल्टा सुल्टा क्या बका तूने? पता नहीं वो कहाँ चला गया है। कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर फिर कोई बात तूने मेरे भाई के खिलाफ की तो मैं तेरी गर्दन तोड़ूंगी। कमीनी कलमुई नामुराद कर देना। तू आ गया चंद्रभान, मैं तो घबराई गई थी, ये नामुराद मुझे तेरे खिलाफ बड़का रही थी, पर मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं। बहना, पता नहीं पिछले जन्मों में मैं क्या पाप कर बैठा जो मुझे इस घोर कलयुग में जन्म लेना पड़ा। राधा को मैं अपने हाथों ब्याह के लाया हूं, भाई जैसा मैं रूप का मामा वैसा मैं इसका मामा। तू मरहम लेने गई, मेरा दर्द जरा बढ़ गया। मैंने इसे कहा थोड़ा सेक कर दे, ये कुछ और ही समझ बैठी। तौबा तौबा सौगंध माता की, मेरा दिल इतना खराब हुआ कि मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगा। हाय हाय, ऐसा क्यों कहता है? तू क्यों मरे, मरे ये दुष्ट जो सारा दिन दिखावे की पूजा करती रहती। असली पूजा तो काम करने से होती है बहना। तू मेरा जल्दी से सामान बांध दे, मैं काम पे चला। उधर वो रूप कोई और ही करतूत न कर बैठे। आ गया लेक। अरे मैं तो आ गया, पर वो गोजू किधर है? अगर वो कहीं घर पहुंच गया तो मुझे सीधा नरक पहुंचना पड़ेगा। क्या मतलब मालिक? अरे ये तू नहीं समझ सकता, अब मुझे जल्दी ही उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। उल्लू ओहो, मेरे घर से बाहर निकलते ही छींक मारना जरूरी था? मुझे जरा ठंड लग गई है माँ जी। मेरी नकल उतारती है, नजरे से मैं मरी जा रही हूँ और ठंड तुझे लग गई। इस नजरे के इलाज के लिए मैं बाजार से बादाम लेने जा रही हूँ। हाँ सुन,
इस चादर को अच्छी तरह कूट कर धोना, ये बहुत मैली हो गई है। भूल ही गई कि कल मेरी बहू का पहला करवा चौथ है। अरे भाड़ में जाए बदाम बदाम, चल आ मेरे साथ, आ आ आ, जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जा और मेरे साथ बाजार चलकर अपनी पसंद की चीजें खरीद ले। मेरा मुंह क्या देखती है, जल्दी करना, तब तक ये कपड़े मैं धो डालती हूँ। चल चल शाबाश, जा जा जल्दी तैयार हो जा, शाबाश। आ, 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 नमस्ते बहन जी। आओ जी आओ, बड़ी खुशी हुई। मैं सोच ही रही थी कि सुबह से कौओं ने शोर क्यों मचा रखा है। खुद आप ही काम कर रही हैं, राधा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। और फिर दिन ही कितने हुए ब्याह को, मेहंदी लगे हाथों से मैं कैसे काम करा सकती हूँ। आओ ना पधारो, आओ आओ बैठो। आप तो धन्य हो बहन जी, मेरी राधा तो यहाँ राज कर रही है। मैं तो यूं ही फिक्र करती रहती हूँ, पर राधा है कहाँ, कहीं नजर नहीं आती। यही है, शायद सोकर उठी नहीं। मैं अभी बुलाती हूँ। राधा बेटी राधा, देख कौन आए हैं। माँ, राधा, राधा, बेटी को अपने घर सुखी बसते देखकर एक माँ को कितनी खुशी होती है। पर यह तो बहुत बुरी बात है, बहन जी काम करे और तू अंदर बैठी रहे। आप भी कमाल करती हैं बहन जी, मैं अपनी नई नवेली बहू से कैसे काम करवा सकती हूँ। और फिर मेरी तो आदत है, अगर मैं कामकाज ना करूँ तो मेरे हाथ पांव नहीं चलते। जा बेटी, माँ के लिए चाय पानी ला। नहीं नहीं, लड़की के घर का पानी पीकर मैं नरक में नहीं जाना चाहती बहन जी। ये लो कुछ सामान, राधा का पहला कचौथ है। ये क्यों तकलीफ की, हम दोनों माँ बेटी अभी सामान खरीदने जा रही थी। ये तो आपकी अपनी लड़की है बहन जी, चाहे जितना मर्जी ले दे, पर हम गरीबों का भी तो कुछ फर्ज बनता है। ले ले बेटी। अच्छा बहन जी, आज्ञा दो, मैं चलती हूँ। हाँ बहन जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो किसी दिन राधा और रूप को गांव भेज दो, सारे बहुत याद करते हैं। बसंती बेचारी तो रोज पूछती है कि राधा की कोई चिट्ठी आई। मेरी राधा तो तब चिट्ठी लिखे अगर ऐसी कोई दुख हो, बाकी इनकी मर्जी है दोनों की, जब मर्जी चले जाए। अच्छा बहन जी, जल्दी भेजने की कोशिश करना। ये ले राधा, अपना शगुन। अच्छा बहन जी नमस्ते। नमस्ते जी। दिखा समदन क्या लाई है। अच्छू, सेब भी लाई तो जंगली। जा कपड़े बदल, बड़ी महारानी बनी फिरती है। ये कपड़े कौन धोएगा, तेरी माँ। होने को कोई नहीं टाल सकता राधा, मैंने अपनी इन जलील आंखों से रूप को दरिया में डूबते हुए देखा है।
हाय रे मेरवन कुमार, तूने करवा चौथ के दिन ही हमको छोड़ के जाना था। जी चाची, मैंने उसे बहुत रोका कि दरिया में तूफान है ना नहा, पर उसने मेरी एक ना मानी। कहने लगा तूफानों से लड़ना ही जिंदगी है। अरे मेरे शेरा। उसने दरिया के अंदर छलांग मारी और पानी के अंदर गया। उसके बाद उसे बाहर आते किसी ने नहीं देखा। मैं और मेरे आदमी घबरा के पानी में कूद पड़े, पर उसकी लाश किसी के हाथ नहीं लगी। बहना, अपने भांजे को ढूंढते ढूंढते मैं भी डूब चला था। अच्छा होता उसके साथ मैं भी चला जाता। भाई चंद्रभान, जल्दी से मोहल्ले बिरादरी वालों को खबर कर दे, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। हाय 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 हाय। माँ, करवा चौथ के दिन एक सुहागवती अपने सुहाग की रक्षा के लिए वर मांगती है, वो कैसे मान ले कि तू उसके सुहाग की रक्षा नहीं करती? मेरी आत्मा नहीं मानती माँ, मेरी आत्मा नहीं मानती कि मेरे होते हुए वो। अगर मेरे सुहाग को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तू होगी माँ, उसकी जिम्मेदार तू होगी। राधा, मैं रूप का बाप हूं, बाप का दिल भी ये नहीं मानता कि उसका बेटा दुनिया में मौजूद नहीं। मैं माता का आशीर्वाद लेकर तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू सदा सुहागन रहे। पिताजी, चुप चुप बाप कमाता, समझे कोई देख न पाता, मैया के नैन हजारों उसे सब कुछ नजर है आता, उसे सब कुछ नजर है आता। तू करता जो उस प्रगट हो, सब भक्त किनारे लगाने माता के चमत्कारों को, तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को। पता नहीं बेचारा कौन है और कहां से डूबता हुआ रहा है। अमरूप है और राधा। भगत जी, लगता है ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। हो सकता है इस बेचारे को कुछ सदमा पहुंचा हो, कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी हो जाता है। आप जाकर गांव-गांव में पूछो कि रूप नाम का एक भगत हमारे पास है। हे महामाई, दया कर इस पर। अंधी होकर काम करती है, सारे बर्तन टेढ़े कर दिए। मैंने तुझे कितनी बार कहा ये सुर्खी बिंदिया लगानी छोड़ दे, अब तो अड़ोस पड़ोस वाले भी ताने देने लगे हैं, अब किसके लिए सचती है? माँ जी, माँ जी, सीधी विधवा औरतों की तरह रह, ला पकड़ा बर्तन मुझे और जा सारे घर में झाड़ू लगा। ये चुड़ैल कहां से मेरे पल्ले पड़ गई? ले खा मर ले,
और झाड़ू देने के बाद लकड़ियां लाना ना भूलना। दीदी जी रोटी दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। भगवान तुम्हें बहुत दे। राधा। हाँ? कहाँ जा रही है? लकड़ियां लेने। अरे लकड़ियां तो आती रहेंगी, पहले हमारा ख्याल तो करे। जब छोड़ दे मुझे, छोड़। चंद्रभान क्या हुआ? शेर। क्या हुआ? शेर शेर शेर, शेर। कहाँ है शेर? शेर चंद्रभान शेर है? ये तो पागल हो गया है। खबरदार, अगर तूने अपने उल्टे पैर इस घर में डाले, तू इस घर में बहू बनकर आई थी डायन, पहले पति को खा गई, अब मेरा भाई पागल हो गया है, अब मुझे लगता है मेरी बारी है, दफा हो जाए यहाँ से, और कभी अपनी मनहूस सूरत हमें ना दिखाना। माँ जी चले जाए यहाँ से। के पट्टे, मैं तेरी सारी जंगलवारी हक में सुनकर आ रहा हूँ, सच सच बोल, उस मौजूद लड़की पर किसने हाथ डाला था, तूने या रूप ने? बोल। शेर, शेर। अरे ये शेर शेर का क्या नाटक लगा रखा है, मुझे मुनीम जी ने सब बता दिया है, अब तू बोल, उस लड़की की तरह तूने रोकी थी? बोल। ओहो, इस पे क्यों गुस्सा हो रहे हो, ये बेचारा तो पागल हो गया है। पागल हो गया है? अरे पागल तो इसे मैं बनाऊंगा। बोल 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 हरामजादे, बोल बोल। अच्छा तुझे अब मालूम हुआ मैं शेर हूँ? क्या कर रहा है? हट जा पीछे, वरना मैं तुझे भी ठीक कर दूंगा। क्या कहा? क्या कहा, उधर जंगल में ये बदमाशी करता रहा, इधर तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया और उस गरीब को तंग किया, मैं उससे माफी मांगूंगा। अब किससे माफी मांगेगा, वो तो घर छोड़कर चली भी गई, वो मनहूस थी, उसके आने से इस घर में कितने कष्ट आए, रूप चला गया, मेरा भाई पागल हो गया, अब तू मुझे आंखें दिखाने लगा। लाजवंती, पाप का बेड़ा जब डूबता है तो भरकर डूबता है, तुम दोनों ने उसे घर से निकालकर बड़ा अनर्थ किया है, माता रानी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। चंद्रभान उठ, आ, 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 आ मेरे साथ आ जा। चमत्कारों को तू बन गए क्या जाने, माता के चमत्कारों को
चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को, तू बन गए क्या जाने, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को। माँ तू तो खुद समझाती थी, शेरों वाली माँ जिस तरह रखे खुश रहना चाहिए। बसंती माँ, उस माँ के दिल की हालत कौन समझ सकता है जिसकी कली सी लड़की फूल बनने से पहले ही मुरझा जाए। अनर्थ हो गया मासी, अनर्थ हो गया। मौसी तू तो पहले ही बहुत दुखी है, मैं किस मुंह से कहूं कि लाजवंती ने राधा बहन को घर से निकाल दिया। अब बेचारी पता नहीं कहां कहां थक के खाती फिरती होगी। दौलत दौलत तेरे इन पवित्र चरणों की कसम मौसी, राधा बहन को ढूंढना ही मेरा सबसे पहला काम होगा। इस काम में तू अकेला नहीं होगा दौलत, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ अगर लगन सच्ची है और माता ने साथ दिया तो राधा जरूर हमें मिल जाएगी। चला दौलत, हमें इस काम में अब देर नहीं करनी चाहिए। तेरी महिमा अपरंपार है माँ, तू जन्म जन्म से अपने भक्तों की परीक्षा लेती रहती है। अब तू ही जानती है तेरी ये परीक्षा कब पूरी होती है। भाई तुझे कुछ याद आया? तेरा क्या नाम है, तू कहां से आया है? भगत जी अगर आप कहें तो हम इसको अपने साथ काम पे लगा लें। ये ठीक रहेगा, शायद काम करते करते इसको अपने बारे में याद आ जाए। क्यों भाई, तू हमारे साथ जंगल में लकड़ियां काटने चलेगा? शेर, शेर, हाँ, शेर। अरे कहाँ है तेरे बाप वाला शेर? शेर शेर करके मुझे पागल कर दिया है। लाजवंती, लाजवंती, क्या हुआ? गिर पड़ी हूँ, उठा नहीं जाता, लगता है ये हिस्सा सो गया है। ओ, अरे, अरे ये तो अधरंग हो गया है। हैं? उठ, अधरंग? हाय, हाय, मुझे अधरंग हो गया है, हाय। अभी तो माता ने आधा रंग दिखाया है, जब पूरा रंग दिखाएगी फिर तुम्हें पता चलेगा। माता के कोप से डरो पापियों। हाय।
प्रसाद ले, मैं माताजी के मंदिर से आई हूँ। इस गांव में परदेशन है बेटी। अरे बेटी, ये प्यासा कुआं तुझे पानी कहां से पिलाएगा? ये तो आप कई सालों से पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है। पता नहीं भगवान का क्या कोप हो गया है इस इलाके पर। बरसात तो बरसात, बादल का कोई छोटा सा टुकड़ा भी इस तरफ भूल कर नहीं आता। हाँ, मैं तुझे गांव से पानी पिला दूँ। नहीं बाबा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी।
जगदम्बे माँ भे तेरे रंग में रंगे माँ। बोल बख्श दे मंगे माँ, बख्शन हार है मंगे माँ, दुखों के पल बीते माँ, आ गए हैं दिन अच्छे माँ। अम्बे माँ जगदम्बे माँ भे तेरे रंग में रंगे माँ। हारी जाऊँ तेरा नाम पुकारी जाऊँ, मैया तू है हर एक जा, कैसे तेरी सिफ्त करूँ। अम्बे माँ जगदम्बे माँ भे तेरे रंग में रंगे माँ। बीत गया दुख का ये समा, आ गई है अब सुख की छाँव, पानी ही पानी हर गाँव, गाए नाचे सारा गाँव, बच्चे बूढ़े और जवान, तेरे रंग में रंगे माँ। अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, ऊँचे भवनों वाली माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, बब्बर शेरों वाली माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, ठंडी पानों वाली माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, जल्दी जोतों वाली माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, सच्ची जोतों वाली माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जोतों वाली माता, तेरी सदा ही जय। धन्य हो देवी जी, आपका नाम क्या है? राधा। राधा नाम से ही पता चलता है कि ये एक साक्षात देवी हैं। मुझे ये कलंक ना दो, मैं तो इस शब्द का एक अक्षर भी नहीं। आप किस गांव की रहने वाली हैं? मेरा कोई गांव नहीं, मेरा कोई घर नहीं। अब भी कोई शक है? ये तो साक्षात देवी हैं। देवियों का कोई गांव कोई घर नहीं होता, उनका निवास तो हर जगह होता है। मेरे सर ये पाप न चढ़ाओ। और ये हंटर ले, अगर ये कुछ चूजा करे तो पांच से इसको जड़ देना। अच्छा। और सुन, ये जो बैठी है अगर ये कुछ बकवास करे तो पांच साथ इसको भी लगा देना। ना जी, मेरे भाई के साथ ऐसा मत करो। अरे अभी हुआ ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तू देखती चल। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बाबा जी। मेहरबानी तो उस देवी की है भाई, जिसने इस गांव में जल थल कर दिया है। बिना पानी के लोग गांव के गांव खाली करके भाग गए थे, पर उसके पवित्र चरण इस धरती पर ऐसे पड़े कि जल देवता उसके स्वागत के लिए खुद इस धरती पर उतर आए। चल दौलत, पता नहीं तकदीर में अभी कितना और भटकना लिखा हुआ है। क्या कष्ट है आपको? कोई हमसे बिछड़कर पता नहीं कहां चला गया, उसे ढूंढते ढूंढते तो हम हार गए हैं। हार को जो जीत में बदलना है तो उस देवी के स्थान चले जाओ, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। चलो मैं आपको अपने साथ ले चलता हूं। दौलत चल इसके साथ चलते हैं, शायद वहीं से कहीं रोशनी की किरण मिल जाए। आओ आ जाओ। आ गए? आ गए, माता ने चिट्ठी भेजी तो यहाँ चले आए। हमें तेरा एक भगत यहाँ छोड़ गया।
माँ का क्या हाल है? यह भी कोई पूछने की बात है? जिसकी बेटी घर से निकाल दी जाए, तू आप ही सोच ले उसका क्या हाल होगा। दौलत, तू रामपुर तो जाता ही रहता होगा ना, माता पिता का क्या हाल है? लो और सुन लो, तू उस चुड़ैल सास को माँ कहती है जिसने अपनी देवी जैसी बहू को घर से निकाल दिया और अपने बेटे को हड़प कर गई। नहीं दौलत, ऐसी ना कह, माँ माँ ही होती है। अगर मैं उनको पसंद नहीं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। अब कैसा रिश्ता जब रूप ही इस दुनिया में न रहा? बसंती, अगर उनके चरणों की दासी इस धरती पर मौजूद है, वो अपना चोला कैसे बदल सकते हैं? सुहागवती हमेशा अपने सुहाग के चरणों में अपना आखिरी सांस लेती है। अब तो तेरा ही सहारा है देवी, तेरी मेहर हो जाए तो मेरे बेटे की जान बच सकती है। मैं मेहर करने वाली कौन हूँ? किसी वैद्य से इलाज कराओ। 2 साल से वैद्यों की दवाइयाँ करते करते थक गया। जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ दुआ असर करती है। नन्ही जान है, मेहर कर देना। तू भी मुझे गलत समझ रही है बसंती, मैं वही राधा हूँ जो बचपन से तेरे साथ खेलती रही। मैं तेरे साथ खेलती जरूर रही, पर मैं वो शक्ति प्राप्त नहीं कर सकी जो तूने की है। सूखी नहरों को चलाना और खाली कुओं को भरना शक्ति नहीं तो और क्या है? यही तो मुझसे सबसे बड़ी भूल हो गई बसंती। जो मैं उस दिन माता शेरोवाली की मंशा के विरुद्ध ये कर्म कर बैठी, जिसकी मैं आज तक उससे माफी मांग रही हूँ, और पता नहीं कितने जन्म और मांगनी पड़ेगी। देवी, मैं इस दरबार से खाली हाथ चला जाऊंगा। साचे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये लो माता का प्रसाद, वो सबकी मुरादें पूरी करती है। कबड्डी 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 कबाल हो गई मोहन, रात और रात ही ठीक हो गया। देखा, मैं कहता था ना, वो दासी नहीं, वो साक्षात देवी है। बोलो राधा माता की, राधा माता की, बोलो राधा माता की, बोलो राधा माता की, राधा माता की, बोलो राधा माता की, बोलो राधा माता की, बोलो राधा माता की, बोलो राधा माता की, 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 बोलो राधा माता की, बोलो राधा माता की। तू मुझे किन पापों की सजा दे रही है? ये सारे लोग मुझे तेरे बराबर समझ बैठे हैं, मैं तो तेरे चरणों की धूल भी नहीं। इससे पहले कि मेरे कान मेरी तारीफ सुने, उससे तू सुनने की शक्ति छीन ले माँ। मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती माँ, मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती। बोलो राधा माता की, 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 बोलो राधा की, बोलो राधा माता की, राधा माता की, राधा माता की। Thank you.
बची